नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपने अपने दर्शकों से साझा कर दूं। टीएमसी यानी बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के 50 कार्यकर्ता एमआईएम में शामिल हो गए हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एमआईएम में जिस तरह से 50 कार्यकर्ता शामिल हुए हैं वो कहीं ना कहीं जो है टीएमसी से नाराज चल रहे थे और बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से उनका नेता 50 कार्यकर्ता छोड़ करके यानी साफ तौर पर जो है एमआईएम ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद जो कहा जा रहा था, जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे थे कि टीएमसी किस तरह से जो है इससे पहले के चुनाव में बंगाल चुनाव में किस तरह से जो है ओवैसी के पार्टी को वहां पर धोखा देते हुए नजर आए, लेकिन 50 कार्यकर्ता आज तृणमूल कांग्रेस छोड़कर एमआईएम में शामिल हो गए हैं। हालांकि जिला अध्यक्ष मजीद हुसैन ने साफ तौर पर वहां पर कहा कि किस तरह से जो है लोग उनसे नाराज चल रहे थे, और उसके बाद तमाम जो लोग थे वहां पर जिला अध्यक्ष जो मजीद है वो किस तरह से जो इन चीजों की बात की पुष्टि करते हुए नजर आए। लेकिन रेपलार में जिस तरह से जो है इन चीजों को लेकर कहा जा रहा था, और उसके बाद बंगाल से ये खबरें उभर के आ रही, क्योंकि जिस तरह से बिहार में आरजेडी में चार विधायक टूट जाने के बाद वो चले गए, और बागी एमएलए को लेकर भी सवाल उठ रहा है, क्या बागी एमएलए वापस आ सकते हैं? क्योंकि गोपालगंज में उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। उपचुनाव में यह कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी से आरजेडी पूरी तरह डर गई है, और वहां पर जिस तरह से उनके मामा साधु यादव है और उनके पत्नी किस तरह से इंदिरा देवी वहां पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि बिना नाम लिए उनके मामा साधु यादव तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने कुर्ता पैजामा दिया उनको, हमने भी पहनाना सिखाया, हमने भी उन्हें जो है किस तरह से राजनीति करना सिखाया, आज हमें वो धमकार हैं। तो ये जाहिर है कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात करते हुए नजर आते हैं और गुजरात में जिस तरह से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन गोपालगंज की सीट जो हॉट सीट कही जाती है, गोपालगंज में जिस तरह से जो चुनाव चिन्ह बदला गया उसके बाद एमएम के समर्थकों में खासा नाराजगी है, और उसके बाद पतंग के जगह चारपाई दिया गया, तो ये भी कहीं ना कहीं हराने की साजिश हो रही है, ऐसा आरोप लगता हुआ आरजेडी पर दिखाई दे रहा। हालांकि तेजस्वी यादव को लेकर भी लोग सवाल करते हुए नजर आए। हालांकि तेजस्वी यादव एक साफ छवि के नेता है, लेकिन अगर इस तरह से अगर गोपालगंज जो लालू यादव का एक गढ़ कहा जाता है और उसके बाद वहां अगर इस तरह से हो जाए, क्योंकि जो असलम मुखिया है इससे पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, 50,000 वोट ला करके 40 वो चौथे नंबर पे रहे थे, लेकिन जो मुसलमानों का वोट है गोपालगंज में वो 65,000 वोट का जो है मतलब औसत है, और वही जो 65,000 वोट है जिस पर ओवैसी की नजर है, ओवैसी साफ तौर पर क्या वो 65,000 वोट ला करके क्या वहां पर जो है गोपालगंज सीटें जीत सकते हैं, और एमआईएम के जो बागी एमएलए है जो आरजेडी में टूट कर चले गए उस पर भी लोग सवाल करते हुए नजर आ रहे कि ओवैसी पूरी जो है ऑफर देकर यानी साफ तौर पर वो अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर टीएमसी की नेता के छोड़ देने के बाद एमआईएम में जो 50 कार्यकर्ता शामिल हुए हैं ये कहीं ना कहीं बहुत सुखद खबर है, और टीएमसी के लिए यानी ममता बनर्जी के लिए बंगाल में ये बड़ा झटका है, और ये झटका कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के चुनाव में ये रास्ता साफ कर रहा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साफ तौर पर गुजरात में चुनाव जो है लड़ने की तैयारी में, वहां पर जो है महिला प्रत्याशी को उतार कर जो महिला ब्रिगेड है उनको कहीं ना कहीं टिकट देकर और मुस्लिम महिला उनके लिए प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है, जो महिला कोशिका बैन परमार है और जो दानी लिमड़ा से वो चुनावी प्रत्याशी है, और उसके बाद से जमालपुर से जो है साबिर काबली है उनको टिकट दिया गया। 3 सीटों पर अभी चुनाव का जो है प्रत्याशी का ऐलान हुआ है गुजरात में, लेकिन गोपालगंज सीट, मोकामा सीट, बिहार की राजनीति और गुजरात की राजनीति, राजस्थान की राजनीति, बंगाल की राजनीति ओवैसी साथ लेकर चल रहे हैं। हालांकि इससे पहले उत्तर प्रदेश के 100 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात असदुद्दीन ओवैसी करते हुए नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल वहां गए लेकिन बिल्किस बानो के मुद्दे पर वो बोलते हुए नजर नहीं आए। एनआरसी सीए का जब प्रोटेस्ट हो रहा था उस पर अरविंद केजरीवाल बोलते हुए नजर नहीं आए। तो लोग साफ तौर पर यह बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी न तो हिंदू विरोधी पार्टी है और न ही मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या गोपालगंज सीट असदुद्दीन ओवैसी के झोली में जाती है, और जिस तरह से बंगाल के 50 कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर एमआईएम ज्वाइन कर लिए हैं, और उसके बाद 3 तारीख को मतदान होने हैं उपचुनाव को लेकर गोपालगंज में, ये अगर सीट
वहां पर असदुद्दीन ओवैसी के झोले में जाती है तो आरजेडी के लिए ये कहीं ना कहीं 2024 के लिए बड़ा झटका साबित होगा। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपकी कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, बाकी ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।